आज पांचवा नवरात्रि है, आज स्कंद माता का दिन है, आज चूक मत जाना। एक मंत्र बनाएगा आपका जीवन सुखमय। जानिए चमत्कारी मंत्र ठीक 7:09 पर। कैसे करेंगी स्कंद माता आप पर कृपा, जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी, हमेशा की तरह एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपकी किस्मत। जी हां, सुबह के ठीक बस 7 बजने ही वाले हैं, कुछ मिनट यहां पर बाकी हैं, तो हमेशा जैसा हम वादा आपसे करके जाते हैं वैसे ही वादे के साथ एक बार फिर से हम वापस आए हैं। क्या कहती है आज आपके सितारों की चाल, कहां टहलने के लिए निकलने वाले हैं आज आपके सितारे, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, पांचवा नवरात्र की अगर हम बात करें तो पांचवा नवरात्र आज है। यहां पर हम जानेंगे कि मां स्कंद माता के पहले तो स्वरूप के बारे में विस्तार से, क्या यहां पर किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं मां स्कंद माता को, वो भी जानेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की शुभ घड़ी की और साथ ही साथ आज के पंचांग की, जो कि हमें बताएंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, पहले तो बात कर लेते हैं शुभ घड़ी की। जी मानी, आज की जो शुभ घड़ी हम लोगों ने निर्धारित की है, जो आज का पंचांग बोलता है, वो है 7:09 का समय। आज के इस प्रथम काल में, प्रथम घंटे में बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिस समय में आपको मैं बहुत ही गुप्त रहस्य वाला एक चमत्कार बताने वाला हूँ, एक मंत्र बताने वाला हूँ, जिसका जाप करके, जिसका प्रयोग करके हर माता अपने बच्चे के जीवन के कष्ट को दूर कर सकती है, हर बच्चा अपने परिवार में अपने अभिभावक के कष्ट को दूर कर सकता है। तो आज का दिन, आज का ये काल, आज का ये प्रयोग हर माता, हर संतान और हर अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय है चर्चा करते हैं आज के पंचांग पर। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है चैत, आज की तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन, नक्षत्र है रोहिणी, योग है आयुष्मान, करण है बव। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई पंचांग की, अब एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के अनशन का चौथा दिन आज, तीसरे दौर की बातचीत पर टिकी सभी की निगाहें। तीसरे दौर की बातचीत से पहले मनमोहन ने की इमरजेंसी मीटिंग, सिब्बल और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ की माथा पच्ची। सोनिया और सरकार की अपील से अन्ना बेअसर, कहा जबानी बातचीत की बजाय सरकार के ठोस कदम से बनेगी बात। सीबीआई करेगी या गुजरात पुलिस, तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। जोरदार भूकंप से एक बार फिर से थर्राया यहां पर जापान, 7.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता। और आज से शुरू होगा क्रिकेट का कर्म युद्ध, चेन्नई में धोनी और गंभीर के घमासान से आईपीएल का आगाज। तो ठीक 7:09 पर आप जानेंगे यहां पर क्या है आज का चमत्कारी उपाय, कौन सा वो मंत्र है यहां पर जो आचार्य जी हमें देंगे आज के दिन के लिए खास। रविवार का दिन जब होगा तो उस पर भी हम यहां पर बात करेंगे कि चर्चा, क्योंकि सप्तमी का उस दिन दिन है, अगले दिन की बात करें तो अष्टमी और नवमी की पूजा किस तरह से यहां पर तैयारी हो रही है वो हम बात करेंगे रविवार के दिन। लेकिन आज का दिन, शुक्रवार का दिन काफी खास, यहां पर हम बात कर लेंगे मां स्कंद माता के रूप की। तो आप तब तक अपनी वहां पर चाय की चुस्कियां लेते रहिए, चाय तैयार कीजिए, यहां बात कर लेते हैं मां स्कंद माता के स्वरूप की। मां स्कंद माता के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हिमानी, स्कंद माता का जो स्वरूप है, उनको स्कंद माता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पुराणों के रचयिता स्कंद कुमार की माता के स्वरूप में आई थी, और जब आप इनका दर्शन करते हैं तो इनका जो स्वरूप बताया गया, एक माँ जिस प्रकार अपनी कोख में एक अपने बालक को लिए हुए बैठी होती है, उसको स्तनपान करा रही होती है, उसके सारे कष्टों को दूर कर रही होती है, और एक जातक, एक बालक अपनी माँ के शरण में आकर के किस तरीके से सभी कष्टों से मुक्त स्वयं को महसूस करता है, उसी प्रकार आज का ये दिन, आज का ये स्वरूप हर माँ के लिए अनिवार्य है। जो भी माँ अपने बच्चों को अपने कष्टों से सुरक्षित रखना चाहती है, किसी भी प्रकार से कष्ट से दूर रखना चाहती है,
उस माँ के लिए, उस अभिभावक के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं हर संतान का भी यह कर्म बनता है कि वो अपने माता पिता को सुख समृद्धि दे, जितनी भी सेवा हो सके उन्हें करना चाहिए। तो आज का दिन, आज की तिथि हर बच्चे के लिए, हर संतान के लिए और हर माँ के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कर सकते हैं स्कंद माता की पूजा, कैसे प्रसन्न होगी स्कंद माता। लेकिन इसके लिए आपने तो नहीं कहा, मैं कह देती हूं कि शुभ घड़ी का इंतजार यहां पर हमारे दर्शकों को करना होगा। और शुभ घड़ी क्या है नहीं मालूम, शुभ घड़ी है आज की हमारी 7:09 पर, तो इंतजार करना पड़ेगा तब तक हम बात कर लेते हैं दैनिक राशि फल की। मेष राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, कहां टहलने निकलने वाले हैं आज इनके सितारे। हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य पक्ष की और कैरियर की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मानसिक तनाव की जो स्थिति थी उससे आपको निजात मिलने वाली है। सामाजिक प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि का दिन है। आज के दिन आपको करना यह है कि किसी ब्राह्मण को अपने घर ससम्मान बुलाएं, उनको आमंत्रित करें और उनका सम्मान करें। आज के दिन स्वयं अपने स्वास्थ्य को या परिवार में किसी के भी खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। तो मेष राशि के सितारे यहां पर क्या कह रहे हैं ये आपने जान लिया, लेकिन वृषभ राशि के सितारे क्या कह रहे हैं ये भी तो जानिए कि वृषभ राशि के राशियों का हाल क्या है और क्या इनके सितारे यहां पर कह रहे हैं। हिमानी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय खर्च की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है और उसी के साथ साथ इस समय आपको भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अर्थात तो भाग्य आपके साथ नहीं है। तो इस समय में आपको उसको अपने साथ लेने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है। उसका सबसे सरल माध्यम आज की तिथि में यह है कि आप स्कंद माता की आराधना करें और किसी वृद्ध की सेवा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य में आ रही रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना है, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप डट करके सामना करें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो मेष और वृषभ राशि के सितारे हमने जाने कि यहां पर क्या कह रहे हैं। आप अगर इसके अलावा कुछ और सवाल आपके मन में है, राशि से अलग हटकर आप जानना चाहते हैं कि क्या परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उसका निदान कैसे हो, यहां पर आपको आचार्य जी बताएंगे। उस नंबर पर फ्लैश कीजिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है। तब तक हम यहां पर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कि आखिर मिथुन राशि वालों को आज क्या करना चाहिए, क्या एहतियात यहां पर बरतनी चाहिए। हिमानी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय हो सकता है, विशेषकर विद्यार्थी लोगों के लिए। इस समय में अपनी संतान की पढ़ाई लिखाई और उनकी जीवन शैली को लेकर के आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, तो विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि अपनी पढ़ाई में मन लगा करके लगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज की दिनचर्या में माँ काली की आराधना करना, माँ काली को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ व्यापारी वर्ग के लिए यह सख्त हिदायत है कि आज का दिन निवेश का दिन नहीं है, अर्थात आज के दिन निवेश से दूर रहने का प्रयास करें। बिल्कुल, और इससे पहले कि हम यहां पर बात करें कर्क राशि के जातकों की, आप यहां पर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उससे पहले ये जानिए कि 7:09 पर ऐसा है क्या खास। आज पांचवा नवरात्रि है, आज स्कंद माता का दिन है, आज चूक मत जाना। एक मंत्र बनाएगा आपका जीवन सुखमय, जानिए चमत्कारी मंत्र ठीक 7:09 पर। कैसे करेंगी स्कंद माता आप पर कृपा, जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। जी हाँ, आप उपाय जो है वो IBN 7 पर लाइव यहाँ पर जान रहे हैं और जैसे ही घड़ी टिक 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 करती रहती है, 7:06 अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, 3 मिनट का और इंतजार है, तो वैसे ही जो धड़कने हैं दिल की बढ़ती रहती है। मैं भी ये इंतजार करती रहती हूँ कि कब जल्दी से आए शुभ घड़ी, कब जल्दी से आए। चलिए, लेकिन उससे पहले कर्क राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, कितना लाभ आज उनके जीवन में लिखा है और कितना नहीं लिखा है। हिमानी, कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय लाभ और आपकी जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको अपने जीवन के सुख में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। ये समय आपके अनुकूल है, इस समय का पूरा पूरा लाभ लें और आनंद लें। आज के दिनचर्या में मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ, शक्ति की आराधना के साथ साथ भगवान शिव की आराधना कर लेना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस समय आपके किसी कार्य में अवरोध आ सकता है जिससे मन को निराश नहीं करना है, परिस्थिति आपके पक्ष में है, आप निश्चिंत रहें, कार्य स्वतः ही सिद्ध होगा। बिल्कुल, और इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ गई हैं नीलू। नीलू, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद जो सवाल आप करना चाहती हैं आप अपना सवाल करें। जी, मैं अनामिका बोल रही हूँ जम्मू से।
हाँ जी, मेरी बर्थ ऑफ डेट है 16 अप्रैल 1986। अनामिका जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब आप अपना प्रश्न रखें और अपना जन्म समय बताएं। जी, मेरा जन्म है सुबह 5:20 पर। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अनामिका जी, आपकी जन्म पत्रिका में इस समय राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ उथल पुथल चल रही होगी, उदर कष्ट अर्थात पेट से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाना, अपने भोजन में से गाय को एक रोटी देना, काले कुत्ते को कुछ खाने के लिए देना, एक रोटी देना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो सकता है। उसी के साथ साथ इस समय में ओम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप करते रहना, अपने दिनचर्या में हरे वस्त्र का प्रयोग करना आपकी सभी शारीरिक कष्ट को, शारीरिक समस्याओं को और अपने कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं को, जीवन के कष्ट को दूर करेगा। बिल्कुल, और अनामिका जी के इसी सवाल के जवाब के साथ अब यहाँ पर ठीक उस शुभ घड़ी का वक्त हो चुका है जिसका आपका और साथ ही साथ मुझे भी रहता है बड़ी बेसब्री से इंतजार। बहुत आचार्य जी यहाँ पर इंतजार करवाते हैं। अब बस और नहीं, अब 7:09 हो गए, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, तो इसलिए अब आप उपाय बताएं। जी हिमानी, ये उपाय आप सबों के समक्ष, आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित है, लेकिन आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आज का दिन, आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इस तिथि को यूं ही ना जाने दें, एक कान से सुन के निकालिए मत, कॉपी पेन उठाइए, इस मंत्र को लिखिए, इस प्रयोग को लिखिए और इसको करके देखिए। आज का दिन समर्पित है स्कंद माता को, नवरात्रि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्कंद माता उस स्वरूप में आती है जिस स्वरूप में कोई भी जातक, कोई भी बालक एक मां से अपनी बात कह सकता है, बहुत भोले मन से आप किसी भी तरीके से अपने मां से अपनी बात कह सकते हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर किसी के लिए। स्कंद माता की कृपा से आपकी सभी कामना पूरी होती है, तो आज के दिन मां की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपको करना यह है कि आप माता के समक्ष ध्यान लगा करके बैठ जाएं, अपने घर में जहां भी आपने मां को स्थापित किया है, आप मां को वहां पे, जो भी आप जिस जगह पे स्थापित करते हैं मां को, वहां आप स्थापित कर लें और मां का सबसे प्रिय भोग दूध से बना हुआ कोई पदार्थ होता है, आपको वो मां को उसे अर्पित करना है। उसके साथ साथ आज के दिन मां के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करना किसी भी जातक के लिए, किसी भी साधक के लिए, मां के एक भक्त के लिए जिसको कुछ नहीं मालूम, कोई भी साधना नहीं मालूम, कोई भी प्रक्रिया नहीं मालूम, कोई भी अनुष्ठान नहीं मालूम, सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस मंत्र का यदि जाप किया जाए, मंत्र एक बार आप पुनः सुन लें और लिख लें, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप कोई भी जातक यदि आज के प्रथम पहर में करता है, 10 बजे के पहले पहले मां के समक्ष बैठ करके उनको प्रसन्न करता है, उनको दूध से बने हुए या केले से बने हुए किसी पदार्थ का भोग लगाता है, मां को केला अर्पित करता है, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद माता की कृपा से आपके इस नवरात्र के 9 दिन की जो समस्या है, जो साधना है, साधना पूर्ण होती है। इस 9 दिनों में आपकी जो भी समस्या रहती है, मां स्कंद माता की कृपा से, उनके स्वरूप की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलने का सबसे सरल और एकमात्र साधन है। बिल्कुल, सबसे सरल और एकमात्र यहां पर उपाय है। लेकिन आचार्य जी, मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगी कि ये जो मंत्र आपने बताया, एक बार फिर से आप ये मंत्र हमारे दर्शकों को बताएं। ये मंत्र हमारी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस मंत्र को सुन लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। इसका उच्चारण इस प्रकार से है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र उपाय है। इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के भाग्य के साथ। लेकिन 7:38 पर क्या है खास, एक नजर इस पर भी। स्कंद माता का एक मंत्र आपने जाना, जानिए अब दूसरा मंत्र जो देगा आपको शक्ति।
ठीक 7:38 पर। कैसे स्कंद माता आपको बनाएंगी शक्तिशाली, जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और जान रहे हैं क्या कह रहे हैं आपकी किस्मत के सितारे। और आज चूंकि शुक्रवार का दिन है तो आज के दिन कहां टहलने के लिए निकल रहे हैं, दिल एकदम बाग बाग हो रहा है, चाय की चुस्कियां भी जल रही है। सिंह राशि के जातक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि सिंह राशि के भाग्य में आखिर क्या है आज खास, क्या एहतियात बरतने की आप सलाह यहां पर देंगे और क्या कहेंगे कि हाँ आप ये काम करें। हिमानी, सिंह राशि के जातकों के लिए आपके भाई बहन बंधु बांधव, इस समय खर्च की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, सबका दबाव आपके ऊपर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुरु की सेवा लाभकारी हो सकती है, गुरु ग्रह बृहस्पति की सेवा लाभकारी हो सकती है। तो आज की तिथि में ओम व्रम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 जाप करना, क्योंकि पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक भी होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय में यदि आपके साथ वर्तमान समय में कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उनकी अनदेखी ना करें। बिल्कुल, सिंह राशि की बात तो यहाँ पर हो गई, लेकिन कन्या राशि वाले ये कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ बताइए यहाँ पर कि हमारा क्या बेड़ा पार होने वाला है आज के दिन या फिर नहीं आचार्य जी। हिमानी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा कठिन समय हो सकता है। इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बाधा आ सकती है और कार्य क्षेत्र में बाधा इस प्रकार की रहेगी, आपके प्रयास करने से वो परिस्थिति आपके नियंत्रण में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिश्रम से अपने नियंत्रण को कमजोर नहीं होने देना, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आज के दिन समाप्त होने तक आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको अपने घर में परिवार में बच्चों की गतिविधियों को नियंत्रित रखने का कार्य करना है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है आपके लिए। रुपए पैसे के लेन देन में सचेत रहेंगे तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ श्वेता जुड़ गई हैं वाराणसी से। इससे पहले कि हम उनकी बात यहाँ पर सुने, उनका सवाल यहाँ पर सुने, आचार्य जी मुझे लगातार कान में बोला जा रहा है कि हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं, ऐसे कॉलर्स हैं जो चाहते हैं कि जो मंत्र आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले बताया था एक बार फिर से, उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर यह है कि आप उस मंत्र को एक बार दोबारा से बताएं। जी हिमानी, ये बहुत ही अनिवार्य है, जिस तरीके से हमारे जागरूक दर्शक हैं, ये मंत्र ये प्रक्रिया बहुत अनिवार्य है और आपका जीवन बदल देने वाली प्रक्रिया है। हम बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मंत्र फ्लैश कर रहे हैं। ये मंत्र है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप जो भी जातक आज की दिनचर्या में कम से कम 108 करता है, स्कंद माता की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये चाहते थे कि एक बार फिर से उनके लिए ये मंत्रोच्चार जो है हमें करके यहाँ पर दिखाएं, सुनाएं कि किस तरह से उच्चारण उसका करना है, तो उन लोगों की अब सारी वो दूर हो गई होगी शंकाएं जो मन में थी कि किस तरह से उच्चारण किया जाए। और अब यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है श्वेता, उनका सवाल ले लेते हैं। श्वेता, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। हाँ, 14 नवंबर 1987 जी। जन्म समय? समय 6:45। सुबह का है शाम का? श्वेता, सुबह का जी। श्वेता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस लड़के से मेरी शादी करना चाहती हूँ मैं, क्या मेरी हो सकती है उस लड़के से शादी? देखिए, आपकी कुंडली में इस समय प्रेम प्रसंग के योग बनते हैं, शुक्र बहुत प्रबल है और शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र लग्नेश है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको हिदायत देता हूं कि इस समय में बहकावे में आकर के, दबाव में आकर के कोई कदम ना लें, बहुत सूझबूझ से कदम लेना आपके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक भी है। तो जब भी विवाह करें कुंडली का मिलापक करा करके ही विवाह करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम होते हैं अगर एक मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह करा दिया जाए तो। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। शुक्रवार के दिन दही चीनी चावल और सफेद मिष्ठान, खोए के मिष्ठान का दान किसी ब्राह्मण को करिए, जल्दी ही परिस्थिति आपके समक्ष साफ हो जाएगी कि आपको करना क्या है। मतलब ऐसा जरूरी होता है आचार्य जी कि जो मांगलिक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मांगलिक से ही उसकी शादी होनी चाहिए? जी हिमानी, ये पूरी तरीके से शास्त्रीय भी है और आज की तारीख में ये प्रॉपर वैज्ञानिक तौर पे भी इसके तथ्य सामने आ चुके हैं कि एक मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना अनिवार्य होता है। बिल्कुल, तो श्वेता जी आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। इसी सवाल के जवाब के साथ अब हम यहाँ पर रुख करते हैं झारखंड से। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अजय। अजय, बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद सवाल रखें। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी, बर्थ डिटेल्स बताएं। हाँ जी, 13/6/82 रविवार शाम के 5 टाटा नगर जी।
सर मेरे को बहन के लिए पूछना था, उसके पैर में तकलीफ रहती है जी। और उसके कैरियर के बारे में भी कुछ बताइए, 4-5 साल से उसे पैर जी, में। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपके बहन की जो पत्रिका है वो दर्शाती है इस समय शनि की दशा है, और शनि का जो प्रभाव क्षेत्र होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, कमर से नीचे का स्थान शनि का आधिपत्य का क्षेत्र होता है। तो आपके बहन की कुंडली में ऐसा लगता है, क्योंकि शनि रोग भाव में बैठा हुआ ऐसा समझ में आ रहा है साफ साफ, कि उसको कमर से नीचे के स्थान में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपको करना यह है कि एक लाजवर्त ले लें, 8 से 10 रत्ती के बीच का लाजवर्त, चांदी में उसको बनवा करके उसको एक लॉकेट नुमा बनवाए, और काले धागे में अपनी बहन को कमर में धारण करा दे, तो जल्द ही उसमें लाभ मिल सकता है। अपनी बहन के ऊपर से 7 प्रकार के अनाज 7 बार उतार करके शनिवार के दिन आप यदि किसी पीपल के पेड़ के पास रख करके आते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ बहन से आप आग्रह करें कि ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, भगवान शिव की आराधना करना जो स्वयं देवादिदेव महादेव है, महाकाल है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना हर प्रकार के रोगों में लाभ देता है। बिल्कुल राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपनी बहन के बारे में यहाँ पर जानना चाहते थे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जो उपाय आपको, जो टिप्स आपको यहाँ पर आचार्य जी ने दी हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए, आप देखिए कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आचार्य जी, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में भी अभी बताएंगे आप। जी अवश्य अभी बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, आपने जाना, जानिए अब दूसरा मंत्र जो देगा आपको शक्ति। ठीक 7:38 पर कैसे स्कंद माता आपको बनाएंगी शक्तिशाली, जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव। ठीक 7:38 पर के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप जान रहे हैं क्या कहती है आपकी किस्मत। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है मंत्र का, और सिर्फ इतना ही नहीं, आचार्य जी कुछ फोन ऐसे भी आ रहे हैं कह रहे हैं कि जल्दी से बताइए मंत्र। मैंने ये भी बुलवा दिया है कि जब तक शुभ घड़ी नहीं आती है, 7:38 नहीं होते, आचार्य जी बिल्कुल यहां पर मंत्र नहीं बताएंगे, क्योंकि एक शुभ घड़ी होती है उसी वक्त आपको ये मंत्र बताया जाएगा। तुला राशि की तब तक हम बात कर लेते हैं कि तुला राशि के भाग्य में आज क्या ऐसा खास लिखा है, क्या ये करेंगे और क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कहेंगे ना करें तो बेहतर है। हिमानी, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समय भाग्य का साथ आपके साथ है, मन में धार्मिकता बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको चूकने नहीं है आपको। आज के दिन माता की आराधना करें, मां दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। अपने व्यापार में पारदर्शिता रखें, यह आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ क्या ना करें, आज के दिन आपको बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में अर्थात एक से अधिक प्रेम संबंधों को रखने से बचना चाहिए, स्थिति आपके लिए बहुत खराब हो सकती है। बिल्कुल, और वृश्चिक राशि के सितारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वृश्चिक राशि को किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों से नहीं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें हाथ वो डालें तो वो सोना हो जाए। हिमानी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है, और इस समय आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, व्यापार सामान्य चलने वाला है, तो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत घबराना नहीं है, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यदि संभव हो सके तो परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करें। सफेद वस्तु का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ ये समय बहुत महत्वपूर्ण काल है आपके लिए, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, व्यर्थ ना जाने दें। बिल्कुल, और आगे हम बात करेंगे धनु राशि की, कि वहां पर धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर हनुमान। हनुमान जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और उसके बाद जो भी आप सवाल करना चाहते हैं आप अपना सवाल करें। 19 जुलाई 1975 जी, 1975 गोरखपुर जी। समय बता दें, 3:30 सुबह या शाम? 3:30 सर। सुबह का है या शाम का? शाम को। शाम को, शाम को सर। जी मिल गया, क्या बताए, प्रश्न बताइए। हाँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्जे में डूबा हुआ हूँ जी।
हनुमान जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो शुक्र की दशा है वो आपके लिए मार्केश का कारक बन रही है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट वो सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। जिस प्रकार आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा ऋणों के बोझ से दब रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आप स्वयं जानते ही होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना अपनी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बना लेना, आपको सुरक्षित करेगा। उसी के साथ साथ मंगलवार से शुरू करें ऋण मोचन मंगल स्रोत, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, आपका ऋण तुरंत उतर जाएगा। ऋण मोचक मंगल स्रोत का 3 पाठ करना आपको लाभ देगा। बिल्कुल, तो हनुमान जी उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। लेकिन आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले मैं ये यहाँ पर जरूर कहूंगी कि आप दर्शकों को भी कहते हैं कि कॉपी पेन लेकर बैठे, मुझे लगता है कल से मुझे भी लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो मंत्र आप यहाँ पर बोलते हैं बिना लिखे उसे मतलब पढ़ना या उच्चारण उसका करना मेरे बस की बात तो नहीं है। तो कल से मैं भी एक कॉपी पेन लेकर बैठने वाली हूँ और फिर उसके बाद आप बोलेगा, मैं भी साथ साथ में बोलती रहूंगी यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 7:38 पर क्या है खास, कौन सा चमत्कारी उपाय यहाँ पर हमें आचार्य जी बताएंगे। स्कंद माता का एक मंत्र आपने जाना, जानिए अब दूसरा मंत्र जो देगा आपको शक्ति। ठीक 7:38 पर कैसे स्कंद माता आपको बनाएंगी शक्तिशाली, जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव। ठीक 7:38 पर। तो बस 4 आप मुझे और दीजिए, पक्का पक्का मैं आपको ये मंत्र यहाँ पर आचार्य जी से जरूर यहाँ पर दिलवाऊंगी कि क्या आप ऐसा उपाय यहाँ पर करें जो आपकी जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर आ जाए। धनु राशि की जो जिंदगी है वो कैसे ट्रैक पर आए या ट्रैक पर आ रही है ये हमें बता रहे हैं पहले आचार्य जी, यहाँ इनके बारे में जान लेते हैं, क्या इनकी जिंदगी कुछ ट्रैक पर आती नजर आ रही है जो इधर उधर हो गई थी। हमारी धनु राशि के जातक लोगों के लिए इस समय मातृ पक्ष और हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर कैरियर तक की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए सबसे अनुकूल समय है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सूझबूझ के साथ, बिना कोई दबाव लिए, किसी के दबाव में आए, बहकावे में आए, अपनी सूझबूझ के साथ परिवार से सलाह करके आगे बढ़ सकते हैं। आज की दिनचर्या में यदि कहीं कोई कष्ट आ भी जाए तो उससे मुक्ति पाने के लिए एक इमरती यदि आप किसी काले कुत्ते को देते हैं तो सभी कष्ट का समाधान मिल जाता है। उसी के साथ साथ आज के दिन आपको धन का व्यय नहीं करना है। मैंने कहा बहुत अच्छा समय है, तो बहुत खुश होकर के आप कहीं व्यय ना करें, खर्च ना करें, संचय करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो धनु राशि वाले थोड़ा सा धन को बचा कर रखें, अच्छा होगा, आगे के लिए आपके लिए खूब काम आने वाला है। मकर राशि के जातक क्या करें, मकर राशि वाले तनाव बहुत ज्यादा आजकल मुझे लग रहा है ले रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे, तो क्या कहेंगे आप इनको कि तनाव से थोड़ी सी मुक्ति मिले इनको। हिमानी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय बंधु बांधव से, परिवार से तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा दिखाई देती है। आपके कुटुंब में वाद विवाद बहुत गंभीर हो सकता है, तो इस प्रकार आपको बहुत ज्यादा अपने को नियंत्रित रखना है, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखना है, संयमित रहना है, जब भी बोले तो सोच समझ करके बोले। आज के दिनचर्या के सब कष्ट को दूर करने के लिए, आज के दिन का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल देना, अर्घ देना, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और अपने क्रोध को, जिस तरीके से मैंने कहा, आज के दिन अपनी वाणी को नियंत्रित रखना, क्रोध को नियंत्रित रखना आपके हित में रहने वाला है। बिल्कुल, तो मकर राशि वाले थोड़ा सा तोल मोल के बोलिए, आज के दिन, आज का दिन निकाल लीजिए, उसके बाद कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है ये तो पहले जान लीजिए कि कुंभ राशि के जातक आज क्या करेंगे और क्या नहीं। जी हिमानी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आर्थिक पक्ष और संतान की तरफ से जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो रही है, आपके लिए परिस्थितियां बहुत पक्ष में बन रही हैं। तो ये समय है विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और जीवन में एक मुकाम हासिल करना है, उस क्रिया में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दिनचर्या में हर व्यक्ति को लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसी के साथ साथ आज के दिन वाहन बहुत ज्यादा तेज ना चलाएं, वाहन की गति पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल, और आगे इससे पहले कि हम बात करें मीन राशि के भाग्य में क्या लिखा है वो बाद में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जालंधर से जुड़ गए हैं के पुरी साहब। के साहब, बहुत डिटेल्स बताएं, उसके बाद सवाल करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, IBN 7 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों की सेवा के लिए आज रोज सुबह आकर लोगों के दुखों का हरण करते हैं। परमात्मा आप सबकी उम्र लंबी करें।
बहुत बहुत आभार, आपकी इन बातों ने बहुत उत्साहवर्धन किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके कष्ट को दूर करते रहे। बताइए। मेरा मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 9/7/1953 जी। प्लेस है कालका जी। समय बता दें। 4:21 दिन के जी। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले दिनों मुझे अचानक ही, मेरे को 10 साल पहले भी यूएसए का वीजा मिला था, उसके बाद भी वीजा मिला, लेकिन अभी मैं पिछले 2 तारीख को अपीयर हुआ तो मेरा वीजा उन्होंने दिया ही नहीं है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कानूनी तौर पर बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मैं कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ता हूँ तो मुझे ये वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी देखिए, परिस्थिति आपके नियंत्रण में है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कानूनी तौर पे जाना पड़ेगा। यदि जाना भी पड़े तो आपको बहुत जल्दी मार्ग मिल जाएगा। आप अगर जाते भी हैं तो आपको आपके मार्ग में विदेश जाने की क्रिया में कहीं कोई बाधा नहीं आनी है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको हनुमत आराधना करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरण से तिलक उठा करके मस्तक पर लगाएं, तत्काल सारी बाधाएं दूर होंगी। बिल्कुल केके साहब, ये उपाय तो आप कीजिए ही, लेकिन अब जो उपाय यहां पर चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं यहां पर आचार्य जी, वो भी आप अपनाइएगा, देखिएगा कि कितना आपको यहां पर लाभ मिलता है। तो बिना देर किए आचार्य जी, वो उपाय अब आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी हिमानी, आज का ये उपाय, आज की ये प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है। आज के दिन स्कंद माता की कृपा से जिन भी जातक के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट हो, बहुत ज्यादा दीनहीन दिनचर्या रहती हो, जीवन रहता हो, इस मंत्र का जाप करना, इस प्रक्रिया को करना बहुत ज्यादा लाभकारी है। आज की दिनचर्या में माता को केले का भोग लगाना और दूध से बने कुछ पदार्थ अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ देता है, और वहां मां के समक्ष श्वेत वस्त्र पहन के अर्थात सफेद वस्त्र धारण करके आप माता के समक्ष बैठ जाएं, और इस मंत्र का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है उसका 108 बार जाप आज के दिन में संध्याकालीन समय में करेंगे। जो मंत्र मैंने पहले बताया वो सुबह प्रातःकाल 9 बजे के आसपास जाप करने के लिए था, इस मंत्र का यदि आप आज संध्याकालीन में जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका मैं उच्चारण भी आपकी सहजता के लिए कर देता हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है कि सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कोई भी जातक कोई भी साधक यदि आज के दिन में करता है तो आपको माँ की तरफ से एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, आपके काम में आ रही बाधा दूर होती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। माँ की कृपा से आप शक्तिशाली और धन संपदा से संपन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये है शक्ति का मंत्र जो ठीक 7:38 पर ये शक्तिशाली मंत्र हमें यहाँ पर आचार्य जी ने बताया, और ये शक्तिशाली जो मंत्र है, मैं केके साहब को कहना चाहूंगी कि केके साहब परेशान मत होइए, ये मंत्र कीजिए, देखिए कितनी शक्ति आ जाती है कि ऐसे ही नहीं आपको यहाँ पर जो परेशानी है आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। बिल्कुल आपकी परेशानी यहाँ पर दूर होगी, आप इसे करके तो देखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे मीन राशि के भाग्य के साथ।